श्री रामानुज संप्रदायाचार्य स्वामी श्री पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करें। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? एकादश्याम निराहार। अब अपना व्याकरण मत लगा देना, निराहार माने निरासारा आहार खाते थे नहीं, निर्जल होकर के एकादशी का व्रत नंद जी करते हैं। बिना एकादशी का व्रत किए कभी किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान की सबसे प्रिय तिथि एकादशी है। एकादशी का व्रत कर लिया तो सारे व्रत हो गए, और एकादशी नहीं की और दुनिया भर के व्रत करते हैं तो कोई व्रत का फलवल नहीं है, ये जान जाइए। और एकादशी का व्रत ऐसा है जैसे संध्या वंदन करो तो कोई फल नहीं है, और ना करो तो पाप जरूर लगता है। एकादशी का कोई विशेष फल नहीं है, लेकिन ना करने पर पाप जरूर लगता है, और कितना बड़ा पाप है ये भी सुन लीजिए। पद्म पुराण में कथा आती है, पाप पुरुष भगवान श्रीहरि के पास गया। अब कहो पाप कैसे गया? देखो पाप भी तो भगवान की सृष्टि में ही है, तो भगवान के पास गया। भगवान से रोते हुए पाप पुरुष ने कहा, महाराज हमारे ऊपर कृपा करिए। भगवान ने कहा क्या हुआ? महाराज एकादशी आती हमको बड़ा भय होता है, कहीं भी दुबके जा करके, लेकिन एकादशी के तेज से हम जलने लगते हैं, बहुत भय होता है, कहीं संसार में रहने की जगह नहीं मिलती। एकादशी के दिन हम कहाँ जा करके रहें तो हमको एकादशी का भय नहीं होगा, आप कृपा करके बतलाएं। तो भगवान ने कहा पाप पुरुष से कि तुम जा करके एकादशी के दिन अन्न में निवास करो। तो एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष का निवास होता है। एक एक जो दाना जाता है ना मुंह में, ब्रह्महत्या, गोहत्या, सुरापान, ये सारे पापों को खाते हुए बैठ करके। इसलिए एकादशी के दिन वैष्णव हो कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, गुरु दीक्षा हुई कि नहीं उससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर मनुष्य हो, धर्म को मानते हो, तो एकादशी का व्रत तो करना ही पड़ेगा। अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, अन्न में पाप रहता है। लेकिन अपना कर लें, चलो आपने कही, बच्चों को कैसे कराएं? वो स्कूल जाते हैं, टिफिन देना पड़ता है, अच्छी बात है। अपने बच्चों को पहले से इतनी हत्या खिला दो एकादशी के दिन कि जीवन में कुछ तरक्की न करने पाए, इतना पाप उनके जीवन में भर दो कि जीवन में कुछ करने न पाए। अरे एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या बवाल कट जाएगा? आजकल तो सब सुविधाएं हैं, बढ़िया कूटू का आटा है, सिंगाड़े का आटा है, हाँ समा का चावल है, इनका सबका बना करके हल्का फुल्का कुछ टिफिन में पैक कर दो। आलू है, कुछ सेब वगैरह को फ्राई कर दिया, बढ़िया वो अच्छा स्वाद लगता है। अन्न नहीं देना चाहिए। देखो छोटे बच्चे जो पाप पुण्य करते हैं ना, उनके पाप पुण्य का फल उनके माता पिता को लगता है, उनको नहीं लगता। इसलिए खूब लाड़ से सवेरे 6 बजे लगे पराठे एकादशी को बनाने, तो खुद एकादशी धरोगे भी तब भी तुम्हें पाप लगेगा। हम लोग भी बच्चे थे, ये नहीं है कि हम लोग इतने बड़े हुए। हम लोगों के घर में कभी बचपन से आज तक हम लोगों ने नहीं देखा कि रोटी सब्जी कुछ बना हो, कुछ हो जाए फलार ही बनता था। अब मजबूरी, मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो एकादशी करनी पड़ती थी, बचपन से एकादशी हुई। इसलिए एकादशी के दिन अन्न का भोग भगवान को लगाओ। कई लोग करते हैं तो भी उसको उठा करके रख दो, गाय को दे दो जाकर, लेकिन स्वयं पाना नहीं। आपको भोग लग गया तो फिर यही कर लो, तो फिर एकादशी किस बात की धरते हो? कुछ लोग एकाद वचनों को लेकर के एकादशी का तिरस्कार करते हैं। हरिराम व्यास जी का एक वचन है, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यह प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। करोड़ों करोड़ों एकादशी श्री राधा वल्लभ लाल जी के प्रसाद के कण में प्राप्त है, तो प्रसाद पालो भगवान का, उसमें एकादशी की जरूरत नहीं। इसका ये मतलब नहीं है, इसका तात्पर्य है कि भगवान के प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा है।
भगवत प्रसाद की कितनी बड़ी महिमा, करोड़ों एकादशियों का फल आपको मिल जाएगा पाने पर। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि एकादशी नहीं करनी है। हाँ, दिव्य देशों में जो बड़े, जहां मंगला शासित दिव्य देश है, जैसे तिरुपति है, श्रीरंगम है, कांची है, यहां अगर गए और भगवान का प्रसाद मिल रहा है तो हाथ पसार करके लेकर के पा लेना। थोड़ा सा प्रसाद किनका ले लेना, बाकी अपना ले जा करके रख लेना। उसमें ये नहीं कि अरे आज तो एकादशी हम नहीं पाएंगे, कई लोग उठ के चल देते, ये भी अपराध है। धर्म अधर्म में एक पतली बारीक रेखा है, जो धर्म है वही अधर्म भी हो जाता है और जो अधर्म में है वही अधर्म भी हो जाता है। बहुत बारीक रेखा है ये, इसलिए इसको बहुत विचार करके समझना चाहिए। भगवान का प्रसाद घर में जो लगाओ उसको बना करके रख दो, अगले दिन पालो सवेरे, पारायण उसी से कर लो सबसे अच्छा, और नहीं तो गौ माता को खिला दो जा करके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब भूख लग गया, अब तो पाना है, लेकर के 50 रोटी 1 किलो चावल बैठ गए एकादशी के दिन, तो फिर गड़बड़ मामला है। हाँ, अगर बहुत ऊपर की स्थिति मिल गई तो बात अलग की है। बिना एकादशी के व्रत के भगवान किसी पर कृपा नहीं करते। एकादशी को अन्न खाना अर्थात पाप का ही भक्षण है, इसलिए बच्चों को भी जब स्कूल जाएं टिफिन में वही रख करके दें। आजकल डॉक्टरों में भी कई डॉक्टर होते हैं ना, एक डाइटिशियन होते हैं, वो डाइट बना के देते हैं। बड़े बड़े जो हीरो हीरोइन हैं, बड़े बड़े लोग, वो सब डाइट बनवा के खाते हैं। वो भी कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन तो कम से कम इसको खाली छोड़ो, पानी पियो, केवल जूस वगैरह पियो, लिक्विड लो। पर अब यहाँ तो हमारे ऋषि मुनि केवल 2 सप्ताह में एक दिन के लिए कह रहे हैं, इतना भी नहीं कर सके तो क्या करोगे आप लोग, विचार करो। एकादशी का व्रत कभी भी उद्यापन भी नहीं करना चाहिए, वैष्णवों में उद्यापन नहीं होता। जब तक शरीर है तब तक एकादशी का व्रत अनिवार्य है, करना ही है, करना है नहीं, करना ही है। एकादशी का कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ ये है, अत्यंत वृद्धावस्था है, शरीर एकदम रोगी हो गया, फलाहार भी नहीं कर सकते, तो फिर भगवान को भोग लगा करके रोटी दाल सब्जी जो भी हो उसको पाले, उसको भगवान के प्रसाद को स्वीकार करे। जहां पर आपत्ति काल है वहां पर मर्यादा का अतिक्रमण भी हो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जब शरीर भी ठीक है, केवल स्वाद के चलते, नाटक के चलते हम एकादशी न करें तो फिर तो महापाप है। और एकादशी के दिन इस अवस्था में भी पहुंच जाएं तो भी भोग लगा करके ही प्रसाद पाना, ये नहीं कि फिर अपना बना लिया पा लिया। भोग लगा करके और रोज के नियम से थोड़ा कम करो, रोज जैसे 1 रोटी खाते थे तो उस दिन आधी रोटी पाओ, इतना तो नियम करना चाहिए। एकादशी का व्रत श्री नंद जी करते हैं तब भगवान इनके यहाँ लाला बन करके प्रकट हुए हैं, तब भगवान इनके लिए इतनी लीलाओं को दर्शन कराते हैं।